दोस्तों, हम अभी एक महामारी कोरोना वायरस से लड़ ही रहे हैं कि चीन में जन्मा एक और नया वायरस, एक की मौत। सोमवार को चीन में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले हंता वायरस ने दहशत फैला दी है। ये देखते हुए कि कोरोना वायरस कोविड-19 की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। चीन के युन्नान प्रांत के एक व्यक्ति ने सोमवार को हंता वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। एक चार्टर्ड बस में काम करने के लिए शेंडोंग प्रांत वापस आने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि 32 अन्य लोगों का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर हंता वायरस का चलन हो गया। लोगों में यह घबराहट होने लगी कि यह एक महामारी पैदा करने के लिए तैयार एक और कोविड-19 है। हालांकि लोकप्रिय धारणा के विपरीत और व्हाट्सएप विद्यालयों ने हमें इसके बारे में बताया। आइए हम हंता वायरस के बारे में वास्तविकता की जांच करें। हंता वायरस का अनुबंध करने वाले मनुष्य आमतौर पर वायरस ले जाने वाले कृंतकों के संपर्क में आते हैं। घर में और आसपास कृंतक संक्रमण हंता वायरस के संपर्क का प्राथमिक जोखिम बना रहता है। यहाँ तक कि स्वस्थ व्यक्ति को वायरस के संपर्क में आने पर HPS संक्रमण का खतरा होता है। यहाँ तक कि स्वस्थ व्यक्तियों को वायरस के संपर्क में आने पर HPS संक्रमण का खतरा होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।